हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक हेल्दी रेसिपी और वो बनने वाली है ज्वार के आटे से। तो आज हम देखेंगे कि ज्वार की मसाला रोटी कैसे बनाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का लाल बटन प्रेस करना ना भूलें। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा बोल लेंगे, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक मीडियम साइज बारीक कटा हुआ प्याज। इसी में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ गोभी, और यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्च ली है छोटे साइज़ की, उसको भी बारीक काट दिया है, और एक छोटे साइज़ का जो गाजर है उसको मैंने कद्दूकस कर दिया है। उसी के साथ चार हरी मिर्चियाँ भी मैंने बारीक काट दी है, और बहुत सारा धनिया। अब हम इसी में ऐड कर देते हैं हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टी स्पून हम हल्दी ले लेंगे, और हाफ टी स्पून हमने चाट मसाला भी ले लिया है, और उसी के साथ हम 1 टी स्पून जीरा पाउडर डाल देते हैं, और यहाँ पे मैंने लास्ट में ऐड किया है 1 टी स्पून नमक। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। नमक डालने की वजह से जो सब्जियां हैं वो पानी छोड़ देती है, तो इसे हमें अच्छे से मसलना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हल्का हल्का सा पानी छोड़ रही है, इसे बस 5 मिनट के लिए हमें ऐसे ही रख देना है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 कप ज्वार का आटा। अब हमें इसे ऐसे ही पहले मिक्स कर देना है, क्योंकि इसे ऑलरेडी थोड़ा सा पानी छूट चुका है, तो अब हम बाद में इसमें पानी ऐड करेंगे। आटा गूंदने के लिए हमें यहाँ पे गरम पानी का इस्तेमाल करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे गरम पानी ले लिया है। हमें 1/2 कप पानी का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके ही पानी इसमें ऐड करेंगे, और थोड़ा पानी इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसी तरह से आप पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें, ताकि आपको एक अंदाज़ा आ जाए कि आपको पानी जो है वो कितना लगेगा। शायद आपको पानी जो है वो 1/2 कप से ज़्यादा भी लग सकता है। इस आटे को गूंदने के लिए गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें, ताकि हमारी जो रोटियां हैं वो अच्छी बने, नॉर्मल पानी का इस्तेमाल ना करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आटा जो है वो अच्छे से गूंद चुका है। तो अब हम इसके ऊपर एक कपड़ा रखकर इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो अब हम मसाला रोटी बनाने के लिए ले लेते हैं। इसके लिए मैंने एक प्लेट ले ली है जिसको मैंने उल्टा रख दिया है, और इसके ऊपर मैंने ये बटर पेपर भी रख दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े का इस्तेमाल कैसे करना है मैंने मेरे एक वीडियो में बताया है, साबुदाना थाली पीठ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक दे दी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर एक बोल में थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब हम मसाला रोटी बनाने के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो आटा बना लिया था इसमें से हम थोड़ा सा हिस्सा निकाल लेते हैं। आप अपने हिसाब से रोटी की जो साइज़ है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं एक बड़े साइज़ का हिस्सा मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब इसको थोड़ा सा गोल घुमाएं और एक बॉल शेप दे दें इसे। बॉल को मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब हम इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से प्रेस करते रहें, और बीच में हाथों में पानी लगाएं और फिर से प्रेस करें। पानी लगाने से जो है इसे स्प्रेड होने में काफ़ी मदद होती है, तो बीच बीच में पानी का हाथ लगाते रहें, ताकि ये बहुत जल्दी से अच्छे से स्प्रेड हो जाए। इसे ज़्यादा समय नहीं लगता, ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो इस तरह से हमें इसे इवनली सारी तरफ से इसे स्प्रेड करना है। हमें इस रोटी को पतला बनाना है, तो आप जितना पतला इसे बना सकते हैं आप बना लें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसे कितना पतला बनाया है। तो इस तरह से हमारी जो रोटी है वो बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे मैंने जो तवा है वो गरम करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, और इसे हमें ब्रश कर लेना है इस तरह से। जो तवा है हमारा गरम हो चुका है। जो हमने मसाला रोटी बनाई है ज्वार की, अब हम ये इसके ऊपर डाल देते हैं। तो अब हमें ये बटर पेपर जो है वो निकाल देना है। इसे धीरे धीरे करके निकालें, वरना हमारी जो रोटी है वो फट भी सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये निकल जाती है। अब हम साइड से थोड़ा सा तेल छोड़ देते हैं इस तरह से,
और हमें गैस को जो है मीडियम फ्लेम में रखना है, तब तक हम दूसरी रोटी बना लेते हैं। तो इसी तरह से हमें एक बॉल बना लेना है पहले, और इस तरह से इसे स्प्रेड करें, बीच बीच में जो पानी है वो लगाते रहें ताकि जो रोटी है अच्छे से स्प्रेड हो जाए। तो इस तरह से स्प्रेड करें, आप इस तरह से घुमा भी सकते हैं और इसे अच्छा एक शेक दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। तो हमारी जो रोटी है वो बन चुकी है। तो अब हम रोटी को देख लेते हैं। तो हमारी जो रोटी है एक तरफ से अच्छे से सेक चुकी है। वाह, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसे कलर आया है। तो अब इस साइड से भी हम थोड़ा सा जो तेल है इस तरह से छोड़ देते हैं और इसे इस साइड से पकने के लिए रख देते हैं। हमारी जो रोटी है दूसरे साइड से भी सेक चुकी है। फ्लेम को स्लो कर दें और अब हम इसे पलट देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है, ये बहुत अच्छे से बन गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हमने जो दूसरी रोटी बनाई थी उसे भी हम सेक लेते हैं। तो धीरे धीरे करके बटर पेपर निकाल दें इस तरह से, साइड से तेल छोड़े इस तरह से और इसे भी सेकने दें। तो एक तरफ से ये बन गई है, तो अब इसे पलट देते हैं और फिर से साइड से तेल छोड़ देते हैं इस तरह से। तो अब हम इसे दूसरे साइड से भी पलट के देख लेते हैं। जी हाँ, ये बन गई है। अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हमें बाकी की सारी रोटियाँ भी बना लेनी हैं। तो हमारी ज्वार की मसाला रोटी बिल्कुल तैयार है। आप इसे दही के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये हेल्दी तो है ही, उसी के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में भी खा सकते हैं। तो आपको ज्वार की ये मसाला रोटी की रेसिपी कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपी मैं आपके लिए लाती रहूँगी, तो बने रहे मेरे चैनल के साथ। और आपके कीमती समय में से टाइम निकाल कर ये रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।